मैं इसका प्लाजो पैंट और लॉन्ग जंपर सिलाई था। हाँ नहीं, क्योंकि बहुत सारा वीडियो देख लिए थे, बट ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए कभी कभी ज्यादा अभी कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो बाकी कुछ जना बाकी कर लेंगे। वो कैसा रहा? पर मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अलग लगता है। और ये मैं आज ही साहब थोड़ा अलग स्टाइल में की हूँ, वैसे मैं बाहर बहुत सारी एक्टिविटीज करता हूँ, सो मैंने डिसाइड किया थोड़ा बहुत। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इफ्तार और सहरी का टाइम भी दिया हुआ है खत्म से, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए थे क्योंकि अजान हो गई, तो मैं सोची नमाज पढ़ के निकलती हूँ। मैं ये लाइट निकाली हूँ और मुझे क्या क्या मिला है, ये जनाब मुझे गिफ्ट दिए थे, तो ये हमारी शादी की फोटो भी। हाँ ये सऊदी का लिखा हुआ, इतना तो समझ में नहीं मिल रहा है। ये जनाब का पहला या दूसरा मोबाइल है? हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़े डेली रिमाइंडर्स। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, आप सबकी दुआ है मैं खैरियत से हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। हाय फ्रेंड्स, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, जनाब का कॉल आया कि उनका कैंप आ गया है, तो आज जा रही हूँ। फाइनल उनका जो RCT का ट्रीटमेंट था वो हो गया है, और ये मैं आज हिजाब थोड़ा अलग स्टाइल में की हूँ, वैसे जनाब को बहुत कम ही पसंद आता है, तो इसलिए मैं सिंपल ही करती हूँ। आप देखें भी होंगे, मुझे लगाने भी नहीं आती है, तो आज मैं इस तरह से की हूँ, पता नहीं जनाब को पसंद आया कि नहीं। अब कैसा लग रहा है कॉमेंट्स में बताइएगा, तो अभी निकलती हूँ, फिलहाल जनाब से डांट सुन लूँगी, वरना आपको नहीं अच्छा लग रहा क्या? और अभी बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, ऑलरेडी हम बहुत लेट हो गए थे क्योंकि अजान हो गई, तो मैं सोची नमाज़ पढ़ के निकलती हूँ, पेपर घर ही में भूल गए थे, फिर से जल्दी से गए। जनाब को पता नहीं था कितना देर में क्यों कर रही हूँ, तो गाड़ी निकल गई है, अभी मैं भी निकलती हूँ। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं आशा पेट्रोल पंप। और आज लास्ट डे था, तो ये देखिए वीडियो के पीछे की मेहनत, तो जनाब सोचे क्यों ना बहुत अच्छे अच्छे फूल है, तो जिसको कुछ शॉट्स रिकॉर्ड कर लिया जाए। क्या हुआ आज? सो गाइस, आज हमारा फाइनल डे है, आज क्या टैक्सी भी कॉल आया हुआ था कि कैब आ चुका है, और नज़दीक हम मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन एक ब्रीफ मतलब थोड़ा समराइज करके बताया जाए कि मेरा डे वन से डे लास्ट तक RCT था यहाँ पे वो कैसा रहा। और मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रहा। आप लोग डेंटल से रिलेटेड कोई भी इशू है आप यहाँ फ्रीली आ सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपको ट्रीट किया जाएगा। मैं आपको किसी वीडियो में उनके बारे में डिटेल बताऊँगा। तो अभी शाम में आए हैं, तो आज प्रोडक्ट रुकना पड़ जा रहा है, मैं पेपर भी पढ़ नहीं देख रहे लाइट का। 2 hours later. हो गया। So finally guys, मेरा रूट कनाल हो गया है, बड़ा मजा आया है। आज इनको लग रहा था कि फाइनल है, डर लग रहा था, लेकिन कुछ नहीं लगा ना। हाँ नहीं, क्योंकि बहुत सारा वीडियो देख लिए थे, बट ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए कभी कभी ज्यादा वीडियो वीडियो नहीं देखना चाहिए कुछ भी ट्रीटमेंट करवाने से पहले। ओके अब यहाँ से निकलते हैं फ्रेंड्स। पानी नहीं कुछ नहीं, 2 घंटा तक। सो झटकी डी से फ्रेंड्स डायरेक्ट हम आ गए थे DC लॉन। वैसे तो मुझे बहुत टाइम से था कि जाना है सैलून, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, जैसे कि आप जानते हैं कि अम्मी यहाँ है गाँव गई हुई है, तो थोड़ी सी मुश्किल हो जा रही थी हैंडल करने में। तो फिर मैं सोची कि आज फाइनली था, तो मैं बोली कि आ जाती हूँ थोड़ा अपने ऊपर अपने फेस, क्योंकि लाइफ के भाग दौड़ में अपने ऊपर और ख़ास करके अपने फेस का ख्याल रखना ही चाहिए, और रमज़ान में तो ये सब के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा, तो मैं सोची कि ना आज ही हो जाती हूँ। A few moments later. Hi friends, तो जनाब चले गए हैं क्लास, और मैं अभी यहाँ पर सोच रही थी कुछ करने का रमज़ान को लेकर, तो ये देखिए मुझे मिला एक लाइट्स। वैसे मैं लैम्प रमज़ान में जो मिलता है ना, आप देखे होंगे इसमें रील्स वगैरह में, वो मुझे बहुत शौक है, तो मैं एनी और कहीं से भी इस बार तलाश करके, या होगा तो ऑनलाइन मैं मंगवाऊंगी, मुझे बहुत शौक है। फिलहाल मैं ये लाइट निकाली हूँ, और मुझे क्या क्या मिला है, ये जनाब मुझे गिफ्ट दिए थे, तो इसमें है क्या मतलब इस टाइप का बना हुआ है, और वो हमारी शादी का फोटो फ्रेम, तो इसलिए मैं जैसे फोटो वगैरह है तो मैं रूम में इसे लगाती नहीं हूँ, तो इसलिए अंदर रखा हुआ है, बट तो ये हमारी शादी की फोटो। तो ये देखिए मुझे गिफ्ट्स भी मिला है यहाँ पर। सो ये जब मिला था तो मैं आपको दिखाई थी, मुझे तो अभी स्टूडेंट का नाम याद नहीं है, बट जनाब के स्टूडेंट जो है वो दिए थे पेन और ये की रिंग, तो मैं इसे अच्छे से संभाल कर रख दी थी, अभी मुझे मिला है बहुत टाइम के बाद। आज जनाब आएंगे तो मैं इनको दिखाऊंगी, और देखती हूँ क्या कुछ है। एक लैम्प है मेरे पास फिलहाल, जब तक मैं वो लैम्प ऑर्डर नहीं करती हूँ तब तक उसे निकाल लेती हूँ।
और ये देखिए मुझे लैंप तो मिल गया है और उसके साथ साथ मिला है जनाब का पुराना पर्स जो वो जनाब सऊदी में यूज करते थे और उसमें से निकला है कुछ पैसे, मुझे तो पता नहीं कौन सा कहाँ का है, ये रियाल है पता नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, हाँ ये सऊदी का है लिखा हुआ, इतना तो समझ में आता है ये भी सऊदी का है। ये कहाँ का है? ये भी सऊदी का है, सारा सऊदी का है, ये भी सऊदी का। तो ये देखिए ये सारे सऊदी के पैसे, ये लाइट के चक्कर में मुझे इतना कुछ मिल जा रहा है अभी, आज क्या क्या नहीं मिल रहा है। ये जनाब का पहला या दूसरा मोबाइल है, जब वो उनका पहला या दूसरा मोबाइल था वो, ये देखिए कितना प्यारा है, और ये शादी से पहले शादी के टाइम लेकर आए थे, और ये मेरा मुझे मिला था शादी के टाइम गिफ्ट, तो ये सारा अभी फिलहाल इसका यूज़ नहीं है। ये देखिए ब्लू लाइट आप देखते थे ना फ्रेंड्स मेरी वीडियो में, वो लाइट मेरी ख़राब हो गई है और रात में मैं ट्राई कर रही थी तो मुझे करंट भी लग गया, तो अभी मैं कोशिश करती हूँ फिर से, अभी जनाब घर पर नहीं है तो उनके पीठ पीछे वरना वो रहेंगे तो फिर बहुत डांटेंगे, तो अभी कोशिश करती हूँ कि शायद वो बन जाए, नहीं बना तो फिर मैं यहाँ पर दूसरा लैंप फिट कर लूँगी। वायर एक निकला हुआ है, मुझे ये सब काम थोड़े बहुत आता है तो मैं ये करती हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा टैलेंट है। अच्छा तो अभी मैं फिलहाल करती हूँ। अनम सोनम लाने वाले हैं स्क्रू ड्राइवर और मुझे मिला ये लैम्प चांद तारा वाला, वो भी आ जाएगा ऑनलाइन, मैं ऑर्डर कर लूंगी। तो वो देखिए वो ब्लैक वाला तो मेरा हुआ नहीं बट ये वाला मेरा बन गया, अच्छा लग रहा है ना। और अब बारी है 2023 के कैलेंडर को हटाकर 2024 के कैलेंडर को लगाने की, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि इफ्तार और सहरी का टाइम भी दिया हुआ है, ख़त्म सहरी और इफ्तार वक्त इफ्तार और इस्लामिक डेट भी दिया हुआ है, तो इसे मैं लगा देती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा उड़ जा रहा था तो मैं इसे टेप लगाकर परफेक्ट कर दी हूँ, इसमें हो गया सारा कुछ। और अब बारी है इस लाइट को फिट करने की, तो अभी इसको कर लेती हूँ, बाकी कल देखती हूँ फ्रिज वगैरह, कुछ साफ़ सफाई का काम भी है, रूम में भी सेट वेट करना है सब, तो कल करूँगी, अभी तो टाइम है एक दिन, तो इसको भी लगाती हूँ अभी। तो ये देखिए क्योंकि मुझे लाइट बहुत पसंद है, और तो देखिए मैं यहाँ पर लगा ली हूँ, अभी कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो बाकी कुछ जनाब आके कर लेंगे, मेरे से इतना ही हुआ, मैं अब कर ली हूँ, अच्छा लग रहा है ना, अब आएगा अच्छा, अब लगेगा अच्छा। तो और अभी रमज़ान में अभी थोड़े बहुत साफ सफाई का काम तो बाकी है, तो मैं फिलहाल जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने फ्रेंड्स। नेक्स्ट मॉर्निंग यूजुअली नाजिया को हमेशा थोड़ा सा शिकायत हो जाता है कि मैं ज़्यादा वीडियो कवर नहीं करता क्योंकि मैं बाहर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ, सो मैंने डिसाइड किया थोड़ा बहुत कवर किया जाए, तो आज मैं निकला हूँ पापा की स्कूटी लेकर क्योंकि मेरा गाड़ी में हो चुका थोड़ा सा प्रॉब्लम, और इसलिए तो आज फिर से हम लोग मटर बिरयानी बनाने वाले हैं, सो लेट्स सी मटर बिरयानी कैसा बनता है। सो आज फिर से बनने वाला है मटन बिरयानी, जिसके लिए मैंने ले लिया है कुछ सामान, और अब मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, पहुँच चुके हैं अपने घर और ऑलमोस्ट अभी गेट मुझे खोलना होगा, उसके बाद हम लोग इंटर करेंगे। सो मैं खोल लेता हूँ गेट, और यहाँ राजा आ गया है, राजा गेट खोल रहा है, राजा गेट खोल देना पूरा। सो यस कुछ इस तरह मैंने कर लिया है गाड़ी पार्क, और मैंने ले लिए सारे सामान, और आज का दिन काफ़ी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो दिन गेट बंद हो गया, दिन काफ़ी ज़्यादा पता नहीं अजीब और गरीब हो रहा है, ज़्यादा काम भी नहीं है। सो आपने चिकन बिरयानी की रेसिपी देख चुके थे आप लोग आई होप, और आज होने वाला है हमारा मटन बिरयानी। नाजिया ये लो नाजिया तुम्हारा सामान,
ठीक है। और ये देखिए दिन में गए थे जनाब कहीं बाहर सांपची की तरह, तो उन्हें पता नहीं इस पौधे का क्या नाम है, तो ये शूट के मुझे तो अच्छा लग रहा है, पूछूंगी जनाब से क्या है इसका। सो फ्रिज में ख़त्म हो गया है धनिया थोड़ा सा था, तो मैं सोची कि मैं घर से फ्रेश वाला यूज़ कर लेती हूँ, अभी जा रही हूँ बिरयानी की तैयारी करने। ये रहा बिरयानी का चावल और इसे पानी में मैं लगभग डाल दूंगी एक घंटे के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर प्याज जो है वो मैं ब्राउन कर रही हूँ, सच में जनाब जो है वो काफी अच्छा काटते हैं, और मेरा देखिए कितना मोटा है। तो ये देखिए आलू मेरा यहाँ पर फ्राई हो रहा है, अभी कलर नहीं है तो मैं अभी नहीं डालूंगी, और ये पानी भी बॉयल होने वाला है, इसे अच्छे से जब हो जाएगा तब इसमें चावल डाल देंगे। और इसमें है मटन, अभी इसे पहले हम लोग कच्ची बिरयानी मटन का नहीं बनाया है तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो पहले सोच रहे हैं कि इसे हल्का सा नमक डालकर एक सीटी लगा देते हैं। तो ये देखिए मटन में मैं एक नहीं दो सीटी लगा दी थी, और अभी इसमें सारा मसाला जा रहा है, दही लहसुन अदरक का पेस्ट और सारा कुछ मसाला ऐड होके इसको थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। दो सीटी लगाई जी मिलाइए। अभी हमसे ये सवाल कर रहे हैं कि शादी से पहले, मतलब ये जब तक नहीं मेरे को बताए तो हम इससे पहले कच्ची बिरयानी बनाए हैं, सब कोई पहली बार ही बनाता है। हम ये नहीं बोले कि हम नहीं बताए, हाँ बनाए हैं या नहीं भी बनाए तो क्या हमको पता है ना कि कौन चीज कितना डालना है। धनिया पत्ते लेके आ रहे हो? नहीं चले नहीं नहीं है पॉट में है, देखिए देखिए एकदम फ्रेश वाले है ना। हाँ थोड़ा ही थोड़ा बस। बंद कर दीजिए। हम बंद कर दें नहीं इसको। तो ये देखिए यहाँ पर ये दम पे रख गया है बिरयानी, और किचन हो गया काफी गंदा तो मैं ये साफ कर लेती हूँ, कपड़ा भी डालना है धूप में, वो सब नमाज पढ़ लेती हूँ जब तक। Two hours later. बिस्मिल्लाह। पूरी तरह से पिछले कुछ दिनों से डाइट मेरा खराब हो गया है, तो मैं अभी खाना खाती हूँ, मैंने थोड़ा सोची कि मैं वॉक कर लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर जनाब का कपड़ा जो है वो सूख भी गया है, अभी तो ज़्यादा देर रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इतना ज़्यादा धूप है। Four hours later. तो ये ड्रेस जो है मेरा स्टिचिंग करने में दी हुई थी तो आ गया, तो मैं कुछ तो मैं बोली थी कि लास्ट ब्लॉग में कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं इसका प्लाजो पैंट और लॉन्ग जंपर सिलाई हूँ, तो ये देखिए इसका जंपर है, नीचे लेस है, लॉन्ग जंपर फुल आस्तीन है और कलर भी बहुत प्यारा है, और ये इसका दुपट्टा, बहुत को चुन्नी कहते हैं तो चुन्नी, इसमें भी बहुत ही अच्छा काम है। तो कब पहनूंगी पता नहीं, बट आ गया है स्टिच होके। सो मैं सोची कि आपको बोली थी कि मैं दिखाऊंगी कौन सा सूट आया है, तो मैं बोली कि आज दिखा देती हूँ। तो ये सब हो गया है, तो मुझे भूख भी लगी, मैं खाने जा रही हूँ पहले, और अपने इस वीडियो को भी पेंट करती हूँ। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूले, दो हम याद रखें, इंशाल्लाह जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।